हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद सुषमा में। आज हम बनाएंगे एक देसी चाइनीज रेसिपी जिसे हम वेज चॉपर राइस कहते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सभी सब्जियों को चॉप कर लेंगे बिल्कुल बारीकी से। तो चलिए हम सबसे पहले चॉपर ले लेंगे और इसमें सारी सब्जियों को डाल के बारीक काट लेंगे। आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं और हाथ वाले चॉपर से भी काट सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे सब्जी को हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें गाजर डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे पत्ता गोभी और एक कटी हुई शिमला मिर्च, 10-12 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने काट लिया है मोटे टुकड़ों में, और 3 से 4 हरी मिर्च। तो चलिए इसका ढक्कन हम लगा लेते हैं और इसे धीरे धीरे हम चॉप कर लेंगे। ये देखिए कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से सब्जी हमारी पककर तैयार हो गई। हम इसे कंटिन्यू नहीं प्रेस करेंगे, बीच बीच में इसे दबाएंगे, नहीं तो सब्जी जरूरत से ज्यादा बारीक हो जाएगी। तो ये देखिए सारे सब्जी को हमने बारीक बारीक काट दिया है। तो ये देखिए सब्जी को हमने कितनी बारीक तरीके से काट लिया है। इसी तरह से हमें सब्जी को काटनी है। तो चलिए हम सब्जी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक से हम बनाएंगे फ्राइड राइस और एक सब्जी से बनाएंगे ग्रेवी। तो ये देखिए 2 पार्ट में मैंने सब्जियों को डिवाइड कर लिया है। अब हम पनीर को काट लेते हैं, इन्हें साइड हटा के रख देते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है। इसके हम ज्यादा बड़े टुकड़े नहीं रखेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से इसे काट लेंगे। ये देखिए इसकी मैंने ज्यादा मोटी स्लाइस नहीं रखी है, एकदम मीडियम साइज की रखी है। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। इस पनीर की हम ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे वेज के साथ और फ्राइड राइस के साथ। खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में पनीर को काट लिया। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए वेजी फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन को हाई फ्लेम पर गर्म कर लेते हैं। पैन हमारा हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए जिससे कि चाइनीज वाला फ्लेवर आए। तो पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए। पैन गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब इसके अंदर आधी जो हमने वेजी निकाल के रखी थी उसे इसमें डाल देंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे पका लेंगे। इसे पूरा नहीं पकाना है, गलाना नहीं है, इसको हल्का पकाएंगे जिससे कि ये क्रंची लगे। ये देखिए सब्जी को हमने ज्यादा नहीं पकाई है, हल्का सा सॉटे किया है, इसमें हल्का क्रंचीपन आएगा। अब इस स्टेज पे हम अपने वेजी में बॉईल किए हुए चावल डालेंगे। चावल मैंने 3 से 4 कप लिए हैं, इसे इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी सफेद काली मिर्च और थोड़ी सी लाइट सोया सॉस, और सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमें 2 से 3 मिनट तक अपने वेजी फ्राइड राइस को पकाना है हाई फ्लेम पे। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो आप उसे जरूर ऐड कीजिए, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इसमें नॉर्मल प्याज ऐड कर रही हूँ। एक बार इसे मिला देंगे।
ये देखिए हमारी वेजी फ्राइड राइस बनकर तैयार है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए और प्लीज पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वाकई में ये खाने में बहुत ही मजेदार लगती है। अब हम चलते हैं वेजी फ्राइड राइस के लिए वेजी ग्रेवी बनाने। तो चलिए चॉपर राइस के लिए हम सबसे पहले पैन को गर्म कर लेंगे ठीक वाली ग्रेवी बनाने के लिए। पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो चलिए पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और अब इसमें डालेंगे हम बची हुई वेजीज जो हमने बचा के रखी थी। इसको भी हम 3 मिनट तक पका लेंगे, ज्यादा कुक नहीं करेंगे, हल्का सा क्रंची रहना चाहिए। तो ये देखिए 3 मिनट तक हमने वेजेस को पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच शेजवान सॉस, 2 टेबल स्पून केचप, टमाटो सॉस और 1 टेबल स्पून जितना रेड चिली सॉस, थोड़ी सी लाइट सोया सॉस, 1 चुटकी व्हाइट पेपर और स्वाद अनुसार नमक और सभी को एक साथ मिला लेंगे। सारे सॉसेस को 1 मिनट तक पका लेंगे वेजी के साथ। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इन्हें एक बार अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं बनानी है, थिक ग्रेवी बनानी है, इसलिए पानी थोड़ा कम ही डालिएगा। ग्रेवी को गाढ़ी बनाने के लिए 1 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसमें पानी डालकर मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाएंगे नहीं तो नीचे गुठलियां रह जाएगी, बराबर इसको चलाते रहेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये घुल गई है पानी के अंदर। अब इसे हम ग्रेवी के अंदर डाल देंगे। देखिए ग्रेवी में कितनी अच्छे से उबाल आ रहा है। अब हम इसे ग्रेवी में डाल देंगे ठीक होने के लिए। इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो ये देखिए मैंने ग्रेवी को पका लिया है और इसकी थिकनेस देखिए कितनी अच्छी आई है। तो ये देखिए ग्रेवी की थिकनेस इस टाइप की रहनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे पनीर के टुकड़े जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखे थे। इसे मिला लेंगे। पनीर डाल के ग्रेवी को कम से कम 1 से 2 मिनट तक हम पका लेंगे। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी हमारी बनकर तैयार है और इसकी थिकनेस भी काफी अच्छी आई है। तो चलिए अब हम ग्रेवी को वेजी फ्राइड राइस के साथ सर्व कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तो चलिए वेजी फ्राइड राइस को हम सर्व कर लेते हैं प्लेट में। तो चलिए फ्राइड राइस को हमने सर्व कर लिया है। तो चलिए ग्रेवी को भी हम सर्व कर लेते हैं अपने वेजी फ्राइड राइस के ऊपर।